हेलो एवरीवन, एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ इंग्लिश कोर का, जिसका कोड है 301। ट्वेल्थ क्लास का सैम्पल पेपर है जिसमें मैक्सिमम 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे आपको मिलेंगे और इंस्ट्रक्शन में आपको ये बताया होता है कि 3 जो सेक्शंस हैं दे आर बेस्ड ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। आपने तीनों के तीनों को अटेम्प्ट करना है, बट स्पेसिफिकली उनके चॉइसिस को देख के और उनके वर्ड लिमिट्स को देख के कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो सब ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का है, जिसमें आपको एक पैरा जो है वो दिया हुआ है। ये डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, ह्यूमरस हो सकता है, सो इट जस्ट डिपेंड अपॉन द पेपर सेटर कि उसने किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपके लिए सेट किया है। सो ये फर्स्ट पेज है, पैरा जो है उसमें लिखा हुआ है, ऑथर ले इन हिज कैबिन स्टिल ट्राइंग टू पीस टुगेदर द इवेंट्स ऑफ द लास्ट फ्यू आवर्स। ही हैड वॉच्ड हिज होम प्लैनेट ऑफ अर्थ ही डिमोलिश्ड to make way for a hyperspace bypass, being saved by his friend Ford and then whisked away on a ship that was powered by an infinite improbability drive. It was all too much for him. So ये जो question है ये मैं पूरा तो नहीं पढ़ रही हूँ, but हाँ आप इसको पढ़िए और आप इसकी practice कीजिए। इसके question जो हैं उनको पढ़िए और focus कीजिए कि उनके जो answer areas हैं वो कहाँ पर हैं, और वो lines को specifically आप लिख सकते हो और ध्यान में रख के उनको वर्ड लिमिट का ध्यान रख के ही आपने ये आंसर्स जो हैं ये फ्रेम करने हैं। सो मैं इसके आंसर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और अगर आपको यहाँ से पढ़ा नहीं जा रहा है तो ये पैसेज भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपने क्या बताना है, सेम वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। यहाँ पे भी आपको एक पैसेज पूछा हुआ है, इन रिसेंट ईयर देर हैज़ बीन अ सर्ज इन बोथ ग्रुप्स एंड सोलो ट्रेवल अमंग यंग एडल्ट्स इन इंडिया। अ सर्वे कंडक्टेड अमंग यंग एडल्ट्स एज 18 to 25 एम टू एक्सप्लोर द रीजन्स बिहाइंड देयर ट्रेवल प्रेफरेंसेज एंड रिकॉर्डेड द परसेंटेज वेरिएशन फॉर 10 common points दैट इन्फ्लुएंस ट्रेवल चॉइसेस। ये भी 10 marks का है। तो यहाँ पे आपको 6 पैराज दिए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 6 पैराज आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपको 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने ये 8 के 8 क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना है अपनी शीट पे, और ये 12 और 8 जो है वो मिलके जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पे बनते हैं, सॉरी 8 10 मार्क्स का है ये, वो 12 मार्क्स का है, तो 22 मार्क्स का आपका फर्स्ट सेक्शन जो है वो कवर हो गया। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन बी है, दैट इज़ क्रिएटिव स्किल्स, 18 मार्क्स का। तो ये मैं आपको पूरा पढ़ के ही बता दूंगी। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग और टू इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो ये शॉर्ट कंपोजिशन से है जो 50 वर्ड के अंदर आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है, बाली हाई पब्लिक स्कूल हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड क्योर ग्रीन, अ डेडिकेटेड एरिया फॉर लोकल मेडिसिनल हर्ब्स एंड श्रब्स एडजेसेंट टू द फ्लावर गार्डन ऑन कैंपस। As Rachel Tiwari, captain of the Eco Club, draft a notice for the school notice board informing student of class 11 and 12th about a guided walk through Cure Green post assembly on Friday 10 July, invite caregiver application for Cure Green. तो अपनी एक नोटिस फ्रेम करना है, इसमें आपको आपका साइन इन, आपका नेम भी दिया गया है, आप कौन कौन सी क्लासेस के लिए नोटिस लिख रहे हैं वो भी आपको इन्फॉर्म किया गया है, डेट एंड टाइम इज़ ऑल्सो गिवन। सो यू आर जस्ट राइटिंग अ नोटिस वेरी सिंपली, इन विच यू आर जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन और डिटेल्स लाइक प्लेस, टाइम एंड डेट, एंड यू आर जस्ट सप्लाइंग और मेकिंग इट विद अ सुटेबल फॉर्मेट, सो द मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू यू। नेक्स्ट और है इसके साथ, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 के अंडर बी पार्ट है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द नेबरहुड वॉच स्कीम जस्तीनापुर सेक्टर D3 सोसाइटी, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द सोसाइटी नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग रेजिडेंट्स अबाउट द चेंज ऑफ पर्सनल हेड सिक्योरिटी गेट 2 एंड शेयर नेसेसरी डिटेल, ऑल्सो इंक्लूड द न्यूज़ ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द मच अवेटेड सिक्योरिटी कैमरा ऑन द ईस्टर्न पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें आपको सेक्रेटरी मतलब आप सेक्रेटरी हैं नेबरहुड में, और नेबरहुड वॉच स्कीम के सेक्रेटरी हो,
जस्टिनापुर आपका एड्रेस है, सेक्टर 33 सोसाइटी में आप रह रहे हो। आपने नोटिस को ड्राफ्ट करना है सोसाइटी नोटिस बोर्ड के लिए। इसमें आप वहाँ पे रहने वाले नेटिव्स को इन्फॉर्म कर रहे हो कि जो पर्सनल हेड सिक्योरिटी है गेट 2 पे, आपने उसको बताना है कि ही मतलब इट हैज़ बीन चेंज्ड, और नेसेसरी डिटेल्स देनी है जिसमें न्यूज़ में आपने ये बताना है कि बहुत टाइम से जो हम वेट कर रहे थे सिक्योरिटी चेक या सिक्योरिटी कैमरा जो है वो होना चाहिए, तो वो इंस्टॉल हो चुका है ईस्टर्न पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी पे। सो दिस इज़ अगेन ऑफ 4 मार्क्स। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का ए पार्ट है, यू आर द स्टूडेंट हेड कल्चर अफेयर एट MK सीनियर सेकेंडरी स्कूल। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ 2-day योगा कैंप ओवर द वीकेंड फॉर पेरेंट्स ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स। Create an invitation inviting the school parents for this yoga camp. Share information about the camp organizer and include other necessary details. तो आप यहाँ पे students के head हो cultural affairs के, आपका school का जो नाम है वो है MK senior secondary school, और आप यहाँ पे आपका school जो है वो यहाँ पे 2 दिन का camp जो है yoga camp organize कर रहा है over the weekends पे पेरेंट्स के लिए, जो स्कूल स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स के लिए। तो आपने एक इनविटेशन जो है वो डिज़ाइन करना है, या फिर उनको आप मतलब लेटर फॉर्म में भी इनवाइट कर सकते हैं। तो ये सब आप जो है डिटेल्स देके एक अच्छा सा इनविटेशन रेडी करेंगे। अब इसके साथ और है, श्रीमती लीलावती खत्री, योर ग्रैंड मदर हैज़ रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम हर चाइल्डहुड फ्रेंड residing at a distance in the same city. The invite is for the blessing ceremony and celebratory dinner marking the birth of her granddaughter. Your grandmother wishes to attend the event but would need to be accompanied by a family member to assist her with her wheelchair. Create an appropriate reply accepting this invitation on behalf of your grandmother. So, श्रीमती लीलावती खत्री जो हैं वो आपकी दादी हैं, उनको एक इनविटेशन आता है उनके चाइल्डहुड फ्रेंड से, जिनका यहाँ पे बताया गया कि वो थोड़े डिस्टेंस पे सेमी सिटी में रहते हैं। आप इस ब्लेसिंग सेरेमनी को अटेंड करना चाहते हो, एक सेलिब्रेटरी डिनर है उनके घर पे, उनकी फ्रेंड के घर पे, क्योंकि उनके घर पे उनकी ग्रैंड डॉटर का जो है वो बर्थडे है और द बर्थ है। तो यहाँ पे जो आपकी ग्रैंड मदर हैं वो चाहती हैं कि वो इस इवेंट का हिस्सा बने, और वो ये भी चाहती हैं कि आपकी फैमिली से उनकी मतलब फैमिली में कोई जाने के लिए उनकी हेल्प करे, उनकी कोई कंपनी करे, क्योंकि वो व्हील चेयर पर असिस्टेंस मांगती हैं किसी का। तो आपने एक अप्रोप्रिएट रिप्लाई जो है वो बनाना है इस इनविटेशन का, कि आप वहाँ पे आ रहे हो, आपकी सहमति है कि आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, आप अपनी ग्रैंड मदर के बिहाफ पे ये लिख रहे हो, तो ये आप खुद बनाएंगे। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर से आपको चॉइस है, 120 to 150 words इसका लिमिट है। आप यू आर दमनजीत सिंह, अ फ्रेश ग्रेजुएट ऑफ फिल्म मेकिंग BFA फ्रॉम JTTI चंडीगढ़। यू सॉ द गिवन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर एंड विश टू अप्लाई फॉर द पोजिशन एडवर्टाइज्ड। राइट अ लेटर टू मिली जौहर आर्ट्स अलॉन्ग विद योर बायोडाटा एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट इन द एडवर्टाइज्ड पोस्ट। तो ये आप इस तरीके से एक एडवर्टीजमेंट पढ़ रहे हो, और आप इसका रिप्लाई जो है, मतलब यू आर ग्रेजुएट, फ्रेश ग्रेजुएट, आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो एलिजिबिलिटी आपकी शो करती हैं, तो आप इनको एक लेटर की फॉर्म में बताएंगे आपका बायोडाटा। जैसे हम वो जॉब एप्लीकेशन के लिए PGTs या फिर PRTs का रिज्यूमे जो है वो मांगते हैं, उस तरीके से आपने यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्लस आपने जो जो काम किया हुआ है फिल्म इंडस्ट्रीज़ के बीच में, या फिर फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ पे आपको बताया था कि यू आर फ्रेश ग्रेजुएट फिल्म मेकिंग का, आपने डिप्लोमा किया है, वॉट एवर यू हैव डन इन योर क्वालिफिकेशन, यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग दैट यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, सो यू विल बी राइटिंग टू जौहर आर्ट्स। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो ये दिया हुआ है, डिस्पाइट बींग एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ रोड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनी पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स एंड फेल टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स।
which results in hazardous situation on the roads, write a letter to the editor of a national daily, sharing your concern and examining the reasons for such behavior. Provide suggestions for spreading awareness of rules and etiquettes involved and ways to ensure adherence. Use the given cues along with your own ideas to compose this letter. You are Soma Bharoa, a concerned city resident. For awareness, you can be using these cues, general public, educational institution, how in person, social media, dire consequences, self and others, adherence, fines and penalties, revoking driving licenses, strengthening traffic, police force, monitoring, resources and technology. So you are using these cues to write or to make your letter in a way that you are just writing कि नेशनल डेली के एडिटर को आप ये लेटर लिख रहे हो, आपका कंसर्न शो कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कुछ रीजंस हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर को आपने मतलब एग्जामिन किया है कि व्हाई द पीपल आर नॉट एडहरिंग द रूल्स और द नॉर्म्स विच आर गिवन. तो ऐसे क्यूज को यूज़ करके आप एक लेटर को कंपोज करोगे और अपना कंसर्न बताएंगे. सिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पे दो में से एक क्वेश्चन करने हैं. यू आर सोहेल हसन ऑफ क्लास 12B, राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन इंपॉर्टेंस ऑफ यंग एडल्ट्स एज वॉलंटियर्स इन वंस लोकल कम्युनिटी द नीड टू डू सो एंड द बेनिफिट इन्वॉल्व्ड. यूज द गिवन क्यूज अलॉन्ग विद योर ओन आइडियाज टू कंपोज दिस आर्टिकल. तो आप सुहेल हसन हो, 12B क्लास के, आप एक आर्टिकल लिख रहे हो स्कूल मैगजीन के लिए जिसमें आप शेयर कर रहे हो कि यंग एडल्ट्स जो है उनकी उनका क्या महत्व है या वो किस क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एज ए वॉलंटियर अपनी लोकल कम्युनिटी में, और मतलब द नीड टू डू सो एंड बेनिफिट इन्वॉल्व, वो सब बताना है आपने. आप यहाँ पे भी आपको क्यूज मिले हैं, वो आप क्यूज को यूज़ कर सकते हो, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ग्रोथ, कम्युनिटी डिवेलपमेंट, बेनिफिट जो हैं वो भी आप दे सकते हो. फॉर सेल्फ, न्यू स्किल्स एक्सपीरियंस, अ सेंस ऑफ पर्पस. फॉर कम्युनिटी, पॉजिटिव इम्पैक्ट विद द वेज वन कुड गेट इन्वॉल्व. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लिख के अपना यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ यंग जो है, यूथ जो है, वो उसको शो करोगे. इट वॉज क्वेश्चन नंबर 6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट वी वर रीडिंग. येस, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक. इसके साथ जो और पार्ट है, बी पार्ट, द RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नंदीपुरा सेकेंड लॉन्च द वॉलेंटियर प्रोग्राम फॉर द यंग एडल्ट्स इन एंड अराउंड द नेबरहुड ऑन 18th January 2023 एज सुनीता जे द लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द नेबरहुड न्यूज लेटर राइट अ रिपोर्ट कवरिंग दिस इवेंट. सपोर्ट योर आइडियाज विद आउटलाइन क्यूज गिवन बिलो टू क्राफ्ट योर रिपोर्ट. तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नंदीपुरा सेकेंड ने लॉन्च किया है एक वॉलंटियर प्रोग्राम यूथ के लिए, यंग एडल्ट्स के लिए जो नेबरहुड में रहते हैं और आसपास में रहने वाले जो हैं. 18th of January को ये जो है मतलब इवेंट होगा. तो आप लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट हो इसी नेबरहुड के, जो आप क्या कर रहे हो न्यूज़ लेटर को मतलब आप बना रहे हो, तो आपने क्या करना है, ये सारा जो रिपोर्ट है इसको आपने खुद कॉइन करना है, खुद बनाना है. लेकिन कुछ क्यूज़ आपको दिए गए हैं, उन क्यूज़ को आपने अच्छे से यूज़ करना है. तो ये क्यूज़ आपके थे, विच वॉलंटियर प्रोग्राम, पर्पस ऑफ द लॉन्च इवेंट, इट्स इम्पॉर्टेंस, एक्टिविटी दैट टुक प्लेस, हु अटेंडेड, एनी की मैसेज डिलीवर्ड, हाउ वर यंग एडल्ट्स इनकरेज टू ज्वाइन द वॉलंटियर प्रोग्राम, एनी रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अटेंडीज, एनी इनसाइट इनटू फॉलोअप एक्टिविटीज प्लान्ड, व्हाट इम्पैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड इन द कम्युनिटी. तो ये जो रिपोर्ट का क्वेश्चन होता है ये हमेशा ही पास्ट फॉर्म में ही हम इसको बनाते हैं, बिकॉज ये रिपोर्ट हम एज ए जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या फिर हम जो न्यूज़ लेटर कवर कर रहे हैं वो ऑलरेडी हो चुका होता है. तो वो न्यूज़ के बीच में बाद में फ्लैश किया जाता है कि दैट इट हैज़ बीन
इट हैज़ बीन डन विद सो एंड सो चीफ गेस्ट एंड जो भी चीज़ें हुई होती हैं वहाँ पे, कितने लोगों ने अटेंड किया, कितना कवरेज था, कितना मतलब रिफ्रेशमेंट मिला नहीं मिला, कैसा प्रोग्राम रहा, तो ये सारा चीज़ें ऑलरेडी हैपन्ड है, तो सो इट विल बी रिटन इन पास्ट। अच्छा सा फॉर्मेट यूज़ करके अच्छे से न्यूज़ जो है वो प्रिपेयर, रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज़ वी हैव सेक्शन सी, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, 40 मार्क्स का सेक्शन आएगा आपको ये। फर्स्ट आपको क्वेश्चन होगा स्टांजा में जो, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव रेड हर्ड और रेड, एंड एंडलेस माउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। ये लास्ट स्टांजा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से, तो इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, द ब्यूटी ऑफ नेचर, द पावर ऑफ इमेजिनेशन, द इमॉर्टैलिटी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। सो ये थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है, तो ये जो है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है द ब्यूटी ऑफ नेचर को। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, बाई रेफरिंग टू द डेड एज माइटी द पोइट एक्सप्रेस emphasizes their importance and the power they exerted on the people. Third is complete the sentence appropriately. The endless fountain of immortal drink is an apt analogy for the tales of the mighty dead because. Fourth is the use of the word drink in the extract suggests that the immortality that is being poured onto us is on the verge of overflowing. This create a powerful image of, based on the poem rhyme scheme evident in the line 2-5 of the given extract, which word would rhyme with line 1. Next is select the option that is not true about the lack of punctuation at the end of line 1 in the extract. A part is create a sense of continuity and flow that connects the line with the second line, encourages the reader to continue reading seamlessly without any pause, creates a sense of anticipation and expectation for the reader, encourages a revisit to the ideas in the preceding lines, or I looked again at her wan tail as a late winter's moon and felt that old familiar ache my childhood fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile my mother at 66. तो ये poem के stanza जो है ये last stanza लिया गया है from my mother at 66 से, कमला दास is the poet. So which is the speaker's emotional state when looking at her mother, confused and disoriented, nostalgic and longing, एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग, फेयरफुल एंड एप्रीहेंसिव। सो आपने अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी, यू आर जस्ट वेल अवेयर दैट विच ऑप्शन इज द मोस्ट सुटेबल वन। सेकेंड इज वट डज द यूज ऑफ द वर्ड बट एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन बट ऑल आई सेड सजेस्ट, सिलेक्ट द वर्ड दैट विल नॉट कम्प्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मदर इज एज वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून क्रिएट्स अ विविड इमेज ऑफ vulnerability, sensitivity, fragility. I'm not getting it clearly. It's or mortality. Next is state whether the given statement is true or false. The poetic device used in the line pale as a winter's moon is the same as the one is used in the line the winter wind wistfully wailed at night. What message do these lines highlight in the context of familial relationship and the speaker's sense of anxiety and fear at the prospect of losing her mother? Sixth is the repetition of the word smile suggests that. Eighth question is, A part is, climate change is one of the most hotly contested environmental debate of our time. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it? Maybe, maybe not. Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it is the only place in the world which has never sustained a human
population and thereof remained relatively pristine in this respect, but more importantly, because it held in its ice cores 500,000 years old carbon records trapped in its layers of earth. So it has been taken from the journey of the end of the earth. ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से फ्रेम करके इसका आंसर देना है, क्योंकि ये बर्निंग इशू है इफ़ वी टॉक अबाउट आर इन्वायरमेंट. देन इसके बीच में से क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ बीन टेकन, हाउ डज द एब्सेंस ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इन अंटार्कटिका मेक इट सिग्निफिकेंट इन द क्लाइमेट चेंज डिबेट. Why is climate change described as a hotly contested issue in the extract provided? This is so because there is. So these are of 1 mark. So don't write in elaboration form. Just describe the whole thing in only single line or 2 lines. Now we have the next thing is, you are also having these multiple choices, so don't write your own words. You can simply take the wording from here and tick or write in your sheet. This is third question. The analogy of a time machine is an appropriate analogy for the role of carbon records in the study of climate change, because given reason why the writing style of the extract can be called factual and informative. So these are the answers you are just seeking or you are getting from the whole this paragraph which has been given. और आपने इसके साथ आपको पूछा गया है टाइगर किंग से, तो टाइगर किंग की डेथ का जो तरीका है वो किस तरीके से था. तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको इसमें क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन करोगे इन एक्सट्रैक्ट्स को पढ़ के. नेक्स्ट इज 9th question. 9th question जो है ये फिर से आपका लिया गया है द लास्ट लेसन से. तो लास्ट लेसन का जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है, 2 sensory डिटेल प्रेजेंट इन दिस एक्सट्रैक्ट, व्हाई डज द प्रोटैगोनिस्ट फील एंजियस अबाउट एंटरिंग द क्लासरूम ऑन द पर्टिकुलर डे. 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे हैं. तो बेटा यू आर जस्ट डूइंग, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल, just read your textbook too, so that if question are coming from there or in a form of extract, you are just going to have or lose these 1 mark if you are not reading your text properly. So please, meri suggestion ye hai ki aap apna text bhi padhiye aur question ko zyada se zyada solve kijiye. Sometime MCQs jo hain wo aapko multiples mein mil jayenge, lekin sometime you are not getting them. So aapko one word mein bhi answer dena padta hai, aapko elaborate bhi karna पढ़ सकता है फॉर 1 mark. तो इट इज़ क्वाइट ईजी टेक्निक अगर आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते हो, गो थ्रू करते हो. तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10th question, जिसमें आपको 6 question पूछे हैं, आपने कोई 5 question करने हैं. ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसमें 40 to 50 words का आपका आंसर रहेगा. तो What can be inferred from Rajendra Prasad's recorded upshot of the layer consultations at Motihari? तो ये चैप्टर जो है ये आपका इंडिगो चैप्टर है, यहाँ से ये आपको बताना है कि आप क्या मतलब क्या समझते हैं इसके बारे में. 2nd है डुगलस यूजिंग सेंचुरी डिटेल्स टू क्रिएट ए विविड इमेज ऑफ द अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस इन द पूल. वट माइट बी इम्पैक्ट ऑफ द रीडर इफ द नरेशन वर नॉट इन्फॉर्मेटिव देन सेंचुरी. 3rd is how does the setting of the remote forest location in the rat trap contribute to the overall tone and mood of the story. 4th question is how might the message of the poem on Jennifer's tiger be different if the following last 4 lines were omitted. Agar ye 4 lines ko hata diya jaye to kya message jo poem hai wo convey karti hai. 5th is Umberto Eco इंटरव्यू से लिया गया है क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द नेम ऑफ द रोज सेज, आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर इट वुडंट हैव बीन द सेम. वट कुड वी ही हैव मेंट. इस लाइन से उनका क्या मतलब है.
What does the story Subbu's success in the film industry reveal about the importance of the loyalty, creativity and versatility in this field? Tripoid and Pancake से लिया गया question है. Next is 11th question. आपने दो question करने हैं कोई, जो आपको तीन questions मिले हैं यहाँ पे. How can we say that Vadai packet incident revealed that the writer lacked the emotional maturity required to understand the implication of untouchability? Second is, what does the play on the face of it suggest about the importance of empathy in the overcoming prejudice and stereotypes? Third question is, answer the question in the context of the following line from the enemy. Stupid Yumi, she muttered fiercely, is this anything but a man and a wounded helpless man? In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. Explain the superiority Hana is convinced about. तो यहाँ पर आपने हाना का कैरेक्टर जो है वो बताना है कि Yumi जो है वो तो सब चीज़ों को करने से deny कर देती है, but Hana, she was the wife of Dr. Sadao and she was very empathetic with that wounded soldier. तो आपने उसका कैरेक्टर बताना है कि how her character rise above in our eyes. 12th क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, आपने एक दो क्वेश्चंस में से एक ही क्वेश्चन करना है. इमेजिन यू आर पेब्लो नेरुडा द पोइट ऑफ कीपिंग क्वाइट, व्हाट एडवाइस माइट यू ऑफर टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पोइट ऑफ अ रोड साइड स्टैंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज कन्फ्लिक्टेड इमोशन एज डिस्प्लेड इन द गिवन लाइन. तो आपने अपने आप को पेब्लो नेरुडा कंसिडर करते हुए कीपिंग क्वाइट लिखी है, जिन्होंने वो आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लिखी है, उनको आप क्या सजेशन दोगे? पेन डाउन योर एडवाइस इन लेटर टू फ्रॉस्ट, आपने लेटर का फॉर्मेट यूज़ करते हुए एक लेटर लिखना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को. तो आपको कुछ की नोट्स दिए हैं यहाँ पे, इनको यूज़ करके आप अपना लेटर जो है वो बना सकते हैं. नेक्स्ट इज द डिफरेंट Portrayals of women in the text Aunt Jennifer Tiger, Going Places, Lost Spring and My Mother at 66 offer insights into the experiences of women in society. You have been asked to address your peers and share the way these portrayals highlight the diversity of the female experience, the importance of understanding each individual woman changes, challenges and experiences. Compose this draft with reference to any three of these prescribed tests listed below. You may begin this way, good morning everyone, as I analyze the allotted text. You may end this way, to conclude I would like to say. Start आपने इस style में करना है और end भी आपने इस style में करना है. आपने यहाँ पे different different portraits पढ़े हैं women के, जैसे आपने Aunt Jennifer Tiger के बारे में देखा, तो aunt के बारे में you got the idea how she is living. Going Places में you are just reading about Sophie and Jancy. Lost Spring में you are again having the narrator, how she is getting the character of Mukesh. My Mother at 66, here you are again getting Kamala Das, किस तरीके से अपने मदर को जो है वो खोने का डर है उनके बीच में. तो you are experienced now after reading these portrayals, तो आप इस तरीके से बताओगे और इस तरीके से end करोगे. तीन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट जो हैं आपने जो ऊपर पढ़े हैं, एक छोड़ सकते हो, तीन को आपने यूज़ करना है. नेक्स्ट 13 क्वेश्चन इज, इन द स्टोरी द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी, चार्ली इज़ ऑब्सेस्ड विद फाइंडिंग द थर्ड लेवल इन एन अटेम्प्ट टू ट्रैश आउट वेदर दिस ऑब्सेशन इज गुड क्वालिटी और ए हार्मफुल वन. चार्लीज वाइफ एक्सप्रेसेस हर थॉट इन अ डायरी एंट्री एज लाउइजा चार्लीज वाइफ राइट दिस डायरी एंट्री. सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद references to the story. आप इस तरीके से लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा गया. तो यहाँ पे आपको डायरी एंट्री का फॉर्मेट जो है वो यूज़ करके पिंग लाउइजा जो चार्ली की वाइफ है, आपने उसको यहाँ पे बताना है कि ये जो आप कर रहे हो, लाइक ये जो ऑब्सेशन है आपकी कि आप थर्ड लेवल पे जाना चाहते हो या ढूंढना चाहते हो, तो ये आपके लिए हार्मफुल है या नहीं है, आपने वो जो थॉट्स हैं वो डायरी में लिखने हैं. और है इसके साथ, अ ग्रोन अप जिक्लासा रिफ्लेक्ट ऑन द इंसिडेंट अबाउट कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर एंड इज कन्फ्लिक्टेड दैट शी डिड नॉट डू एनफ टू रिसिस्ट एंड सरेंडर्ड इजीली. शी ऑल्सो वंडर्ड इफ
she could have tried something else to prevent this the incident. As the grown-up Jiklasa create a diary entry expressing these thoughts and conclude by absolving yourself of any blame. तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से ये टेक्स्ट लिया गया है. इसमें बताया गया है कि जिक्लासा जो है वो बड़ी हो चुकी है. अगर उसने जैसे मतलब उसके साथ जो जो वहाँ पे हुआ वो उस टाइम तो रेजिस्ट नहीं कर पाई या उसने जितना भी किया, लेकिन आपको लगता है कि अब वो ग्रोन अप है और उसने कुछ और तरीके से किसी और तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश की होती, वो तरीका वो इंसिडेंट आपने एक फॉर्मेट में बतानी है और वो फॉर्मेट है डायरी एंट्री का. उसमें आपने एक्सप्रेस करना है कि अगर आपने वो वाले तरीके फॉलो नहीं किए तो आप उनके अलावा और क्या क्या तरीके जो थे वो फॉलो कर सकते थे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सैम्पल पेपर ऑफ CBSE. दिस इज़ क्वाइट टफ बट यू आर एबल टू डू. अगर आपने अच्छे से हर चीज़ पढ़ी है, गो थ्रू किया है, हर एक चीज़ का नॉलेज है आपको, हर एक फॉर्मेट क्लियर है, तो एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी. सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत करें, हर चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ें. ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि दिस इज़ वेरी लाइट थिंग और वो लाइटली लेते लेते हर चीज़ जो है वो बहुत ही बड़ा बर्डन बन जाए. सो थैंक यू वेरी मच. इस तरीके से मैं आपके सामने और भी सैम्पल पेपर्स लाती रहूँगी सो दैट आप अपने आप को फोस्टर कर सको, डिवेल्प कर सको, तैयार कर सको फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू सो वेरी मच. इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइबर हेयर सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड ऑल दोज आर लर्निंग और स्टडिंग इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. थैंक यू वेरी मच.